झारखंड चुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। किसानों की आय दोगुना करने के लिए बड़ा फैसला है। 6,000 करोड़ की स्कीम को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है और किसानों को अब बड़ा लाभ इससे मिलने जा रहा है। इसके साथ ही साथ स्वदेश दर्शन स्कीम में भी बड़ा बदलाव किया है। कई और बड़े मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर यहाँ पर मोहर लग चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट में रेलवे बोर्ड में भी बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया, जिसमें IRM को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अब मंजूरी 4-स्टार रैंक के बराबर होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो 2 लाइसेंसी हथियारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल भूजल और यहाँ पर अटल टनल का नाम, दो महत्वपूर्ण योजनाओं की यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी इन राज्यों में। उत्तर प्रदेश जो कि BJP सरकार है, मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस सरकार है, गुजरात में अगर बात करें, हरियाणा में, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगर महाराष्ट्र और राजस्थान के चुनावी रिजल्ट आपको पता होंगे, BJP यहाँ पर हार चुकी है इन राज्यों के लिए। और कर्नाटक में ये वो 7 राज्य बने हैं जहाँ पर इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस भूजल योजना के द्वारा किसानों के लिए जो जल की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। लगभग 8,350 गांवों को इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर मंत्री ने फैसले को कहा है कि पानी की समस्या से निपटने के लिए अटल भूजल योजना 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिनमें करीबन 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक और 3,000 करोड़ रुपए जो है सरकार देगी। और इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को उठाने का है जहां पर जो पानी है वो काफी नीचे चला गया। अटल जल भूमि योजना की अगर बात करें जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा अटल टनल भी शुरुआत होने जा रही है। अटल टनल जयंती पर जो एक दूसरी योजना का शुभारंभ होगा वो है अटल टनल, जो कि यहाँ पर मनाली से लेह तक है, जिसमें 2005 में है अप्रूव हुआ था। इसके अलावा 400 करोड़ रुपए की मंजूर किया गया। 8.8 किलो टनल करीब 80% पूरा हो चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा टनल ये होगा। इन दोनों ही योजनाओं का कल दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 बजे लॉन्च होगी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं ना कहीं अब राज्यों की ओर गौर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब राज्यों में काम करने की जरूरत है। और जिस प्रकार की जो रिजल्ट इन चुनावों के दौरान मिले हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले जो इलेक्शन है अब उन पर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आने वाली जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें किसकी जीत हो सकती है, तो वो भी अपनी राय दे सकते हैं। और नई जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नॉलेज आपको टाइम टाइम मिलता रहे।